नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। कानपुर में वार्ड 103 के सभा पार्षद प्रत्याशी फैजान रहमान से प्राइम टीवी के संवाददाता रजवान आलम ने खास बातचीत की है। इस दौरान सपा पार्षद प्रत्याशी फैजान रहमान ने कहा कि हम पिछले 15 सालों से जनता को अपना परिवार समझते हैं और मेरे कामों में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जनता और परिवार पर पूरा भरोसा है। वहीं इस बार अगर जनता ने मेरा समर्थन किया तो हम स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देंगे। हम बात करते हैं वार्ड 103 के समाजवादी के प्रत्याशी फैजान रहमान से कि ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर जनता का समर्थन मिला तो ये क्या करेंगे। ये हमारे साथ फैजान है। फैजान जी, बताइए क्या करें। जनता का सपोर्ट जो है पिछले 15 साल से मिलता चला आ रहा है और मेरे भाई का ऐसा विकास है कि जनता के जुबान पे है, जो भी हो बड़ा हो बुजुर्ग हो सबकी जुबान पे काम है। ये हमसे आप ना पूछो, हमसे बेहतर हमारे वार्ड की जनता आपको बताएगी कि मैंने विकास क्या किया है, क्योंकि हम जो भी बताएंगे हर नेता अपनी ही वाह वाह करता आएगा। जो बताएगी जनता बताएगी, क्योंकि हमारे वार्ड पूरे कानपुर शहर में हमारे वार्ड का एक नाम है, एक पहचान है। सफाई में, शिक्षा में, बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जल्द ये ऐसे इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो पाएगी। इसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आज हम लोग जो है सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे ही मन्नू रहमान को विधायकी का चुनाव लड़ेगा। जरा सड़क से लेकर सदन तक की जो आवाज़ पहुंचाई जाएगी वो मन्नू रहमान द्वारा पहुंचाई जाएगी, जिससे कि युवाओं को जो लाभ मिलेगा वो माननीय मन्नू रहमान द्वारा मिलेगा। अभी तो सभासद है, लड़ाई लंबी है, लेकिन धीरे धीरे आगे इंशाल्लाह बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जनता जो है 15 साल से चाहती है हम लोग को, और इंशाल्लाह कोशिश करें जो हमारे काम अधूरे रह चुके हैं उसको और पुनः आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जनता हमें बहुत ज़्यादा चाहती है, ये मैं नहीं बताता, वार्ड नंबर 103 की जनता कहीं किसी गली में पूछ लीजिए, गली पूछे कुछ भी, सफाई की व्यवस्था कंप्लीट है, जल भराव नहीं होता, पानी घर घर तक के पहुँचा दिया है। जैसे कि हमारे वार्ड नंबर 103 में इलाका जैसे कि आता हैगा वो पेजबाग, पेजबाग में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे तो 10-10, 12-12 डिब्बे ले के जाते थे, नमाज पढ़ते थे तो पाइप से पानी भर के अपने घर को लाते थे। वहाँ का पानी इस तरीके का था कि मतलब कि लोगों घरों में दालें निकलती थी, इतना खराब दुष्ट पानी था। और जो है मन्नू रहमान ने अपने कार्यकाल में सबसे अच्छा काम यह किया कि लोगों को पानी घर तक के पहुँचाने के लिए क्या कहना चाहते हैं। ये है कि समर्थन मिलने के बाद हमारी ये कोशिश रहेगी क्वालिफिकेशन में, जब इंसान की क्वालिफिकेशन इस बेस्ट होगी तो ही इंसान सही और गलत की पहचान कर सकेगा। क्योंकि अब आदमी जो है, पहले के दौर में ये हुआ करता था कि आदमी के घर में जो आया आदमी ने सही ना देखा ना गलत देखा वोट कर दिया, लेकिन अब वोट उसकी ताकत है जी, वो ताकत का अपना सही तरीका यूज़ कर रहा है। इसीलिए 15 साल से आज हम लोग जी का मौजूद है, और इंशाल्लाह जनता की मोहब्बत और सपोर्ट हर चीज़ अगर रहा अगर इंशाल्लाह इस बार भी जिताएगी हमें फुल बहुमत से जिताएगी, पूरे कानपुर शहर में पता चलेगा कि वार्ड नंबर 103 एक ऐसी सीट है जहां पे जनता का राज चलता है, और ये हमारी सीट, हमारा ये वार्ड नहीं है, ये हमारा एक परिवार है। जैसे इंसान का जैसे परिवार में कोई तकलीफ होती है तो इंसान को तकलीफ होती है, ऐसे ही हमारा वार्ड है एक परिवार तरीका। हमारे किसी वार्ड के किसी घर में या किसी तरीका समस्याएं भी हैं, समझ लिए वो हमारी निजी समस्याएं होंगी, उस चीज़ को जो है इंशाल्लाह आगे से आगे मुक्ति कराई जाएगी। जैसे हमारे साथ समाजवादी के प्रत्याशी युवा प्रत्याशी फैजान रहमान जी, जैसा कि आप देखने वाली बात होगी कि जनता आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।